दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि BSNL जो है अपना 4G जो है वो इंडिजिनियस वे से रेडी कर रहा है और धीरे धीरे लॉन्च भी कर रहा है। लेकिन क्या आपको BSNL का न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पता है? BSNL दोस्तों अपना खुद का सैटेलाइट 4G जो है वो लॉन्च करने वाला है। एक्चुअली ये सैटेलाइट 4G क्यों लॉन्च कर रहा है, ये होता क्या है और कहाँ पे लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, सब आज के इस छोटे से वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि TCS के द्वारा ही BSNL अपना 4G डेवलप कर रहा है और लॉन्च भी कर रहा है। तो यहाँ पर BSNL जो सैटेलाइट 4G डेवलप कर रहा है वो भी TCS के द्वारा ही किया जा रहा है। TCS मदद कर रहा है BSNL को खुद का सैटेलाइट 4G लॉन्च करने में। अभी ये सैटेलाइट 4G होता क्या है? एक्चुअल एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर BSNL की तरफ से क्या दूसरे किसी कंपनी की तरफ से भी वहां पर नेटवर्क वगैरह ले जाना या वहां पर टावर वगैरह इंस्टॉल करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। एक्चुअली वहां पर तो कोई प्राइवेट कंपनी काम करता ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में वहां पर प्रॉफिट दिखता नहीं है। प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन वहां पर BSNL जो है वो भी काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पर उतना मतलब ऐसा जो सरकमस्टेंसेस है वो है ही नहीं कि वहां पर टावर वगैरह इंस्टॉल किया जाए या कुछ काम किया जाए। इसीलिए उस जगह को भी इंटरनेट के आवता में लाने के लिए वहां पर सैटेलाइट 4G जो है वो दिया जाएगा। सैटेलाइट 4G जो है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है BSNL के लिए। तो BSNL जो है इसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत जल्दी सैटेलाइट इंटरनेट जो है सैटेलाइट 4G जो है वो लॉन्च कर देगा BSNL। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि सैटेलाइट 4G जो है वो ऐसे ऐसे जगह पे लॉन्च होगा जहां पर कोई भी BSNL की तरफ से या दूसरे किसी कंपनी की तरफ से इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बीजापुर नाम का एक जगह है जहां पर ये एक्चुअल में रूरल एरियाज है और रूरल एरियाज में ही ये सैटेलाइट इंटरनेट सबसे ज्यादा काम करेगा। सैटेलाइट 4G जो है ये सबसे ज्यादा काम करेगा। तो बीजापुर जो जगह है इस जगह में एक साथ BSNL 1800 टेस्ट एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है कि पंजाब में BSNL ने टेस्टिंग शुरू किया था और 200 अलग अलग साइट्स के अंदर काम शुरू किया था और उसको टेस्ट करने में 1 साल लग गया था। लेकिन यहाँ पर बीजापुर में जो सैटेलाइट 4G का टेस्टिंग चल रहा है ये एक साथ 1800 जगह के अंदर चल रहा है और इसको कंप्लीट होने में 1 साल से भी कम लगेगा। हाँ, तो इसीलिए ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है या सैटेलाइट 4G जो है ये बहुत काम की चीज़ है हम सभी के लिए भी। जो लोग गांव में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं या बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि जैसे ही BSNL का जो 4G है वो आ जाएगा या BSNL का जो पुराने एग्जिस्टिंग 4G है उसको भी 5G में कन्वर्ट करने के लिए ये सैटेलाइट 4G बहुत मदद करेगा। और जहाँ पर 4G वगैरह है ही नहीं और दूसरे कंपनी भी वहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, मतलब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं या BSNL भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी ये सैटेलाइट 4G जो है बहुत काम आएगा। वहां के जो लोग हैं वो लोग भी एकदम मस्त तरीके से अपना इंटरनेट जो है वो यूज कर पाएगा। तो ये सब काम BSNL कर रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए और इस तरह का BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड Take care.